हरदोई से, जहां विकास खंड 52 में जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष उदय शंकर मिश्रा की अगुवाई में BRC 52 पर धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी 52 श्री इंद्र प्रताप सिंह को दिया गया। इससे पूर्व BRC पर ही सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र एकत्र हुए। प्रेरणा ऐप विरोधी नारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। शिक्षकों ने एक स्वर में प्रेरणा ऐप न डाउनलोड करने का वचन लिया तथा स्पष्ट किया कि प्रेरणा ऐप किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष उदय शंकर मिश्रा ने सभी का आह्वान किया कि 30 सितंबर को जिला स्तरीय धरने में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, जिससे प्रेरणा ऐप पर अंकुश लग सके। इस अवसर पर अभिषेक गुप्ता, पुनीत मिश्रा, धीरज मिश्रा, हरिओम त्रिवेदी, मनीष सिंह चौहान, मोहम्मद अली, विद्यानिधि मिश्रा, अंशुल मिश्रा, के दीक्षित, लता सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हरदोई से आदर्श गुप्ता की रिपोर्ट। उदय शंकर मिश्रा जी, आज 52 BRC पर विद्यालय समय के बाद 1 बजे से भारी संख्या पे हमने देखा शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। आपके नेतृत्व में यहाँ सब आए थे, किस प्रायोजन से आज इतने शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पे उपस्थित हुए थे? बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग सब ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC पर आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इकट्ठे हुए हैं। प्रेरणा ऐप के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा गया है ज्ञापन, और यहाँ लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। प्रेरणा ऐप हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इसमें बहुत सी खामियां हैं जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को गिनाई जा चुकी हैं, और हम लोगों के निजी डाटा के संबंध में जो है जो भी बातें बताई गई हैं उसमें डाटा चोरी होने का डर है, महिलाओं के नेता के हनन का सवाल है और शिक्षकों के सम्मान का सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने समय से स्कूल जाते भी हैं और उसके बाद हम जाने के बाद में ये प्रमाण दें कि हम आ गए हैं। सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनके माध्यम से वो हमारी जांच करा सकती है और कि हम हैं विद्यालय में या नहीं हैं। हम अपनी इस मान सम्मान की लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर सरकार ने ये हमारा वापस नहीं लिया प्रेरणा ऐप तो 30 तारीख को जनपद स्तर पर भारी धरना प्रदर्शन होगा। बहुत